hello students how are you doing i hope you must be doing good and you must be safe fit and fine so uh, today you are going to understand about computer basics and our next chapter is operating systems you must be aware about operating system you must be uh, you know accessing operating system in your cell phone in your laptops computer सो टूडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर ओके एंड वट आर देर यूजर्स तो हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं वो होंगे इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर फंक्शन यूज़र इंटरफेस कैसा होता है और एग्जाम्पल्स तो कुछ टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे और कुछ को हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में ओके okay, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम ऑफ़ द कंप्यूटर एंड इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र

आपकी कंप्यूटर और यूज़र यूज़र मतलब आप जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो ठीक है उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है मतलब उन दोनों को लिंक करने का काम करता है सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आप जितनी भी ऐप्स ऑन करते हो आपकी कंप्यूटर में या फ़ोन पे उनको चलाने में ठीक और ये सॉफ्टवेयर और ह्यूमंस के बीच में कोऑर्डिनेट करने में ठीक और ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने में जो भी आप फाइल शेयर करते हो ये शेयरिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही होती है तो आप कॉमन शब्दों में कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सोल ऑफ योर कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की क्या है आत्मा है ठीक है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में रन नहीं कर पाएगा ठीक है तो कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना मैंडेटरी है ओके okay? सो so, uh, देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कैसे काम करता है यूज़र है यूज़र कोई ऐप चला रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहा है ठीक है तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर से लिंक होते हैं हार्डवेयर तो बेसिक नीड है आपको एक कंप्यूटर का डब्बा चाहिए मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर चाहिए ठीक है कंप्यूटर सेटअप जितने भी कंपोनेंट है माउस है कीबोर्ड है मॉनिटर है सीपीयू है अब जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जाता वो डब्बा ही है वो किसी काम का नहीं है ठीक जब आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तभी ये काम करेगा और जो भी बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं तभी काम कर पाएंगे ओके तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो सबको लिंक करता है इस डायग्राम से आप समझ सकते हो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सेंटर ऑफ योर कंप्यूटर पैरिफेरल्स ठीक है आपके कंप्यूटर का जितने भी डिवाइसेस हैं सबको लिंक कर रहा है ठीक है सबको एक साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है अब हम देखते हैं हमारे पास कितने टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास बेसिकली पांच टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम है पहला है रियल टाइम दूसरा है मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र फिर है थर्ड वन मल्टीटास्किंग टास्किंग वर्सेज सिंगल टास्किंग देन फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द फिफ्थ वन इज़ इम्बेडेड। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को सो इट इज़ अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेट एम्स एट एग्जीक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू इनपुट इंस्टेंटली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी टास्किंग मतलब इसमें आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो ठीक है आप गेम भी खेल सकते हो आप पेंटिंग भी बना सकते हो आप टाइपिंग भी कर सकते हो आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो आप वीडियो भी देख सकते हो ठीक है और इसका एडवांटेज क्या है आप जैसे ही इनपुट देते हो जैसे ही आपने इनपुट दिया आपने कंप्यूटर को ये माइक्रोसेकेंड्स में आपको क्या प्रोवाइड कर देगा आउटपुट प्रोवाइड कर देगा ठीक है तो ये बहुत ही क्विक होता है बहुत ही फास्ट होता है अब जो है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं मल्टाई यूज़र वर्सेस सिंगल यूज़र ठीक है अब मल्टाई यूज़र और सिंगल यूज़र क्या होता है आपने देखा रियल टाइम में एक टर्म यूज़ हुआ था मल्टाई यूज़र तो क्या होता है जो मल्टाई यूज़र है, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर Concurrently, and the time sharing system can be classified as multi user system as they enable a multiple user access to a computer through the sharing of time. Whereas single user operating systems, as opposed to a multi user operating system, are usable by a single user at a time. The multi user operating system is इसमें बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं ठीक है कोई भी इसमें काम कर सकता है ठीक और इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्राइवेसी इश्यूज नहीं होते ठीक आप जो है एक पासवर्ड भी लगा देते हो तो बट जो दूसरा आदमी है वो गेस्ट अकाउंट से आपके कंप्यूटर में लॉग इन कर सकता है जैसे आपकी विंडो है ना विंडो में आपने पासवर्ड लगा दिया अपने अकाउंट पे बट समन कैन लॉग इन टू दैट कंप्यूटर बाई गेस्ट अकाउंट ठीक है तो विंडो जो है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं आपके स्कूल के कंप्यूटर हैं ठीक स्कूल के कंप्यूटर हैं या घर का कंप्यूटर है वहाँ आप सिंगल ही थोड़ी काम करते हो बहुत सारे लोग काम करते हैं ना उसमें अदर स्टूडेंट काम करते हैं स्कूल के कंप्यूटर में वैसे ही आपके घर का अगर कंप्यूटर है तो आपके भाई बहन या मम्मी पापा काम करते हैं ठीक है तो वो मल्टाई यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं आपका सेलफ़ोन जो है वो मल्टाई यूज़र है अब सिंगल यूज़र में क्या होता है कि इसको केवल एक ही आदमी जो है यूज़ कर सकता है इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होती है जैसे हमारी लैब्स होती हैं ना जो रिसर्च लैब होती है वहाँ साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं बहुत ही प्रोटेक्टेड सा कंप्यूटर होता है ना उनका बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं और जो मेन साइंटिस्ट होता है उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन उसको लॉग इन भी नहीं कर सकता सो दैट कंप्यूटर रंस विद द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओके अब आते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट है मल्टी टास्किंग और सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग टास्किंग नाम से ही पता चल रहा है जहां आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो मल्टीपल मतलब बहुत सारे टास्क ठीक जैसे आप की जो विंडो है वो मल्टी यूज़र भी है और मल्टी टास्किंग भी है उसमें बहुत सारे यूज़र्स भी काम कर सकते हैं साथ ही साथ बहुत सारे टास्क भी एक ही टाइम में आप कर सकते हो आपने बैकग्राउंड में जो है म्यूज़िक चला रखा है और आगे आप टाइपिंग कर रहे हो ठीक है और एक आपने छोटी सी विंडो खोल रखी है जहाँ आपका वीडियो चल रहा है सो so, मल्टाई टास्किंग में क्या होता है कि बहुत सारे टास्क जो है वो एक साथ चल सकते हैं और सिंगल टास्किंग में जो है केवल एक ही टास्क जो है एक टाइम पे चलेगा उसमें बहुत सारे टास्क एक साथ नहीं चलेंगे नेक्स्ट पे आते हैं नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सो व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सो वी कैन डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटेड operating system as it manages a group of independent computer and makes them appear to be a single computer and um, the development of a networked computer that could be linked and communicate with each other gave rise to distributed computing so this computer this operating system i am sorry distributed operating system this is basically use network इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं मगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो ऐसा इंटरफेस बनाता है ऐसा लुक बनाता है ऐसा लुक एंड फील बनाता है कि आपको लगता है कि सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक ही जैसे हैं सब में जो है ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फंक्शन है सेम काइंड ऑफ चीज़ें हो रही हैं ठीक है और इसमें क्या होता है एक मेन कंप्यूटर होता है जहाँ से हम बाकी जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें प्राइवेसी सेट कर देते हैं कि जो यूज़र है वो लिमिटेड टास्क ही चला पाएगा ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड इन अ नेटवर्क टू कम्युनिकेट ठीक है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क में यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए अब है अगला एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सो एम्बेडिड ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइंड टू यूज इन एम्बेडिड कंप्यूटर सिस्टम दे आर डिज़ाइंड टू ऑपरेट ऑन स्मॉल मशीन्स लाइक पी डी ए विद लेस ऑटोनॉमी एंड दे आर एबल टू ऑपरेट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स तो एम्बेड जो कंप्यूटर होते हैं इनका बेसिकली काम होता है किसी मशीन को ऑपरेट करना ठीक है ये जो कंप्यूटर होते हैं कोई मशीन को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे आपकी जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं तो कार जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्या करती है ड्राइव करती है वहाँ ड्राइवर को जो है अपने हैंड्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे ही जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जो हाई टेक फैक्ट्रीज़ हैं या फिर जो आपके रोबोट्स हैं वहाँ एम्बेडेड कंप्यूटर यूज़ होते हैं और ये क्या करते हैं मशीन्स को ऑपरेट कर दें मतलब ऑटोमेटिकली किसी मशीन को चलाना है कलर करना है किसी चीज़ के ऊपर प्रिंट आउट करना है ठीक तो एम्बेडेड कंप्यूटर वहाँ पे को यूज़ होते हैं और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्हीं में यूज़ होता है अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं सबसे पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट दूसरा है डेटा मैनेजमेंट दैन जॉब मैनेजमेंट

हार्डवेयर जितने भी हैं आपके सारे के सारे इनको जो है एक साथ वर्केबल कंडीशन में लेके आता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक आपके कंप्यूटर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करोगे तब तक आपका कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा ठीक है तो आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का काम करता है उसके बाद है डेटा मैनेजमेंट तो आपका जो इनपुट आपने दिया और जो आउटपुट है ठीक वो एक्यूरेट हो इसको एश्योर करने का काम कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इनपुट डिवाइस जो से जो डेटा मिल रहा है उसको समझे उसके बाद उसको प्रोसेस करे और आउटपुट डिवाइस में उसको शो करे साथ ही साथ कोई डेटा अगर स्टोरी के लिए भेजा जा रहा है तो उसको स्टोर करने के काम में भी ये यूज़ होता है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज जॉब मैनेजमेंट सो ये जो है इट प्रिपेयर्स शेड्यूल्स एंड कंट्रोल्स द जॉब ऑफ योर कंप्यूटर ये आपके कंप्यूटर की जितने भी काम हैं जितने भी जॉब्स हैं उनको कंट्रोल करता है ऐसा नहीं है कि आपका कंप्यूटर किसी एप्लीकेशन के लिए बहुत फास्ट काम कर रहा है और अगली एप्लीकेशन के लिए बहुत स्लो काम करता है या फिर आपका कंप्यूटर जो है कैलकुलेटर में तो एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है और जगह जब आप एक्सेल पे काम कर रहे हो तो वहाँ रिजल्ट ख़राब दे रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि आपका कंप्यूटर हर एक सॉफ्टवेयर में इफ़िशियटली काम करे ठीक है और जो इसका नेक्स्ट Um, जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे आपको इतना समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके कितने टाइप्स हैं ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो